नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि सपने जो हम देखते हैं, सपनों से हमें ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जो यदि आपको समझ नहीं आते हों तो आप उनसे यह पता कर सकते हैं उन संकेतों से कि आपके साथ आगे भविष्य में क्या अच्छा या बुरा होने वाला है, यानी क्या आपके साथ शुभ होगा और क्या अशुभ होगा, क्या शगुन होगा, क्या अपशगुन होगा। आज हम बात करेंगे मुद्रा के बारे में, यानी कि हमारी जो मुद्रा होती है नोट या सिक्के, उसके बारे में यदि हम स्वप्न देखते हैं तो ऐसे सपनों से हमें क्या संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में हम नोट देखते हैं 100 के 50 के या 500 या 2000 के, या फिर सिक्के हमें दिखाई दें सपने के अंदर, तो ऐसे में हमें क्या इससे संकेत प्राप्त होते हैं, क्या हमारे साथ अच्छा या बुरा होने वाला है, इसके बारे में आज हम यह पता करने की कोशिश करेंगे स्वप्न शास्त्र के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा जीवन चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए पैसे ज़रूरी होते हैं। कोई भी चीज़ खरीदनी हो, वस्तु खरीदनी हो, या हमारा खुद का इलाज कराना हो, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में आपको नोट दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। और स्वप्न शास्त्र के अनुसार आप जितना बड़ा मुद्रा देखते हैं या जितना बड़ा नोट देखते हैं, जैसे कि यदि आपको 500 या 2000 के नोट दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको आगे आने वाले जीवन में बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति के योग बनने के संकेत मिलते हैं। सपने में यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में धन देखते हैं या नोट देखते हैं, जैसे कि 500 या 2000 के नोट के बंडल देखते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। लेकिन यह तब संभव होगा जब आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं इस समय, और आपने सपना किस समय देखा है यह भी निर्भर करता है इस बात पर आपको कितनी जल्दी फल प्राप्त होगा आपके स्वप्न से। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना आपको जल्दी परिणाम देता है, तो वहीं यदि रात्रि के पहले दूसरे पहर में आप सपना देखते हैं तो आपको थोड़ा लेट फल प्राप्त होता है। सपने में फटे हुए नोट देखना अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे में आपको धन की हानि भी हो सकती है। तो अपने पैसों को बचा कर रखें, घर में बरकत लाएं, जितना ज़रूरी हो उतना ही खर्च करें, बाकी को संजो कर रखें, संभाल कर रखें, ताकि आपको आगे आर्थिक तरह से कोई रुकावट ना आए, नुकसान ना हो। दोस्तों, 50-100 के नोट के बंडल देखना या ढेर देखना, यह भी आपके लिए धन प्राप्ति का योग होने का संकेत होता है। तो ऐसे में आपको अपने सच्चे मन से सच्ची मेहनत करते रहना चाहिए और लगन से अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े रहना चाहिए, ताकि आपको आपका मनचाहा फल प्राप्त हो सके, आपके लिए आगे जाकर शुभ फलदायी सिद्ध हो सके आपने जो सपना देखा है। दोस्तों, हमने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें यह बोला गया है कि आप जब सपने में सिक्के देखते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो सकती है, आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सपने में यदि आप सिक्के देखते हैं या सिक्के का ढेर देखते हैं, तो इसका यह अर्थ होता है कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कुल मिला के दोस्तों, सबसे ज़रूरी होता है मेहनत करना। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पांव मारने ही पड़ते हैं, यहाँ तक कि हमें भोजन भी करना हो तो हमें अपना मुंह चलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है रोटी या अपना खाद्य पदार्थ चबाने के लिए। तो हर क्षेत्र में आपको फल अच्छा तभी मिल पाएगा जब आप पूरे सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। आधी आपकी मेहनत होती है और आधी ईश्वर की कृपा होती है। आपको यदि सपने में नोट दिखाई देते हैं या सिक्के दिखाई देते हैं तो मेहनत करना कभी ना छोड़ें। ये मत सोचें कि आपको बैठे बिठाए धन मिल जाएगा।
लेकिन सपने में नोट का ढेर, सिक्के का ढेर आता है तो मेहनत के साथ साथ आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, जिसके फलस्वरूप आपको कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक मुनाफा होगा और धन प्राप्ति के योग आपके लिए जो बन रहे हैं वह सच्चे सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, सपने में 50, 100, 2000, 500 आदि के नोट देखना या 5, 10, 1, 2 रुपए के सिक्के देखना, ये सब आपको धन प्राप्ति होने का संकेत बता रहे हैं। यदि आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं, सपना आपके लिए शुभ साबित हो ऐसा चाहते हैं, तो हमारे कहे अनुसार आपको रोजाना सुबह उठकर अपने इष्ट की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने इष्ट से अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सपने से शुभ फल प्राप्त होंगे ही, साथ में आपका जीवन बहुत ही सुखी और सुखद हो जाएगा और इसके साथ साथ प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण आपका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी लेकिन ज़रूरी जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।